लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन शुरू होने के साथ में उम्मीदवारों ने प्रचार में भी ताकत झोंक दी है। बात करें जयपुर ग्रामीण की तो भाजपा कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपूतली पहुंचे और हाईवे पर लक्ष्मी नारायण मौर्य ज्वाला धर्मशाला स्थित हनुमान मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि आखिर पप्पू पास कब होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की कथनी और करनी में काफी अंतर है और ये नेता सिर्फ घोटाले करना ही जानते हैं। इससे पहले स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया। जो हमारे सामने विपक्ष है वो विपक्ष हमारा है मानसिकता ऐसी जिसमें एक परिवार की गुलामी हो, चार चार पीढ़ियां भ्रष्टाचार कर रही हो और देश का विकास नहीं हो रहा हो। आज उनके जो घोषणा पत्र यानी धोखा पत्र के अंदर जो लिखा हुआ है आपने देखा, उसके अंदर दिया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, सेना के पास जो स्पेशल ताकत होती है कश्मीर जैसी जगह पर, उसको हम बदल देंगे। आप जोड़िए, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, सबूत मांगते हैं सेना से, 40 साल से वन रैंक वन पेंशन नहीं देते, अब सेना कश्मीर जैसी स्थिति में काम कर रही है तो उनकी जो स्पेशल पावर्स हैं वो भी ख़त्म करना चाहते हैं, और साथ साथ 124 धारा ए उसको हटाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे जो लोग थे जो भारत का विभाजन करना चाहते हैं उनके ऊपर जो कानून लगता है कानून को ही हटाना चाहते हैं, ये देश को पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।